नमस्कार, मेवात सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। मेवात जिले के बाबला गांव से एक मामला सामने आया है, जहां दो पक्षों में कहासुनी को लेकर आपसी विवाद हो गया, जिसके कारण मारपीट भी हुई। साथ ही दो युवकों पर धारदार हथियार से हमला किया गया है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। मारपीट के दौरान हुए हमले में दो युवकों पर तेज धारदार हथियार से हमला कर दिया गया, जिनकी हालत गंभीर बताई गई है। सभी घायलों को उपचार के लिए नलखड़ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। झगड़े की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों ही पक्षों को शांत कराकर कार्रवाई में जुट गई। मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शी ग्रामीणों से मिली जानकारी के मुताबिक शनिवार सुबह 10:30 बजे के करीब सीमेंट फैक्ट्री नूर रोड सीमेंट फैक्ट्री के नजदीक एक पक्ष की ओर से बावला निवासी सब्जी विक्रेता और उसके पास आए एक युवक में बात ही बातों में कहासुनी हो गई। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि दोनों में मारपीट शुरू हो गई। मारपीट के शोर शराबे में दोनों पक्षों की ओर से महिला व पुरुष ग्रामीण आमने सामने हो गए, जो एक दूसरे पर लाठी डंडा पत्थर और धारदार हथियारों से मारपीट करने लगे। इस मारपीट में दोनों पक्षों की ओर से सहरुन 37 वर्ष व अनीस 18 वर्ष, साथी मजलिस 19 वर्ष सहित कई महिलाएं घायल हो गईं, जिनमें हथियार की चोट लगने से मजलिस व अनीस की हालत गंभीर बताई गई है। झगड़े की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत कराया। आरोप है कि झगड़ा शांत होने के बाद एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों पर घर पहुंचकर हमला कर दिया। हमलावरों ने एक मोटरसाइकिल को भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। झगड़े में सभी घायलों को उपचार के लिए नूर शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। ताबड़ू सदर थाना प्रभारी रतन सिंह ने बताया है कि मामले में अभी किसी पक्ष की ओर से शिकायत नहीं मिली है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।